रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाकी सब लोगों से तो वचन पूरे हो गए, अब बस मेरी प्यारी सास उमा की बारी है। अब जल्दी उनको भी बाकी सबके पास पहुंचा दूंगी, तब जाकर मुझे शांति मिलेगी। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्राची ये क्या बोल रही है और क्यों बोल रही है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। प्राची शादी करके अपने ससुराल आती है और ससुराल आने के बाद सभी उसका बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। प्राची को उसके ससुराल वाले बहुत प्यार करते थे। प्राची के अपने ससुराल आने के बाद उसकी ननद सिमी प्राची से बोलती है, भाभी आप कितनी अच्छी हो, आप जब से घर में आई हो घर का माहौल ही बदल गया है। अभी तो खुशी का माहौल है, पर इस खुशी के माहौल को मैंने मातम के माहौल में न बदल दिया तो मेरा नाम भी प्राची नहीं। क्या भाभी आपने कुछ कहा? नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा, क्यों तुमने कुछ सुना क्या? नहीं कुछ नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। इतना बोलकर सिमी प्राची को अपना कमरा दिखाने के लिए लेकर चली जाती है और वहाँ पर उसको अपना कमरा दिखाती है। थोड़ी ही देर में सिमी वहाँ से चली जाती है और फिर उस कमरे में बस प्राची रहती है। तभी वो खुद से बोलती है, अब मैं अपने ससुराल आई हूँ तो यहाँ आने से पहले जो मैंने फेरे लिए थे वो पूरे तो करूँ। यही वचन लिया था ना मैंने कि मैं अपने ससुराल वालों की खुशी का पूरा ध्यान रखूंगी। तो ठीक है, अब मैं सिमी के पसंदीदा कमरे को आग लगाकर जला देती हूँ और उसकी खुशी ले लेती हूँ। इतना बोलकर प्राची सिमी के कमरे में आग लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। जब सबको पता चलता है आग लगने का तो इल्जाम भी सिमी पर ही लगा देती है। थोड़े दिन तक घर में ऐसे ही ठंडा सा माहौल बना रहता है। जैसे ही माहौल कुछ ठीक होता है तो एक दिन प्राची अपने कमरे में अपने पति विनोद के साथ बैठी होती है। तभी विनोद उससे कहता है, प्राची ये मेरे ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत ही जरूरी हैं। संभाल कर रख देना, इसकी वजह से आज हमारा काम चल रहा है। आप टेंशन मत लो, मैं इसे खुद से ज्यादा संभाल कर रखूंगी। इतना बोलकर प्राची उस डॉक्यूमेंट की सारी जरूरी खबर विनोद के बिजनेस के दुश्मनों को दे देती है और कहती है, यही था ना दूसरे फेरे का वचन कि मैं आपके सुख दुख में साथ दूंगी, पर मैं तो बस दुख में साथ दे रही हूँ और उस दुख में मैं बहुत खुश हूँ और पार्टी भी करूँगी। प्राची बहुत खुश हो रही होती है कि विनोद को पता चल जाता है कि उसके ऑफिस के डॉक्यूमेंट की जानकारी बाहर आ गई है, तो वो घर जाकर बोलता है, अरे हम बर्बाद हो गए, हमारा पूरा काम खत्म हो गया, अब तो ये नौबत आ गई है कि हमें ये घर भी बेचना पड़ सकता है। विनोद की आवाज़ सुनकर उसकी माँ लता और पिता आनंद और प्राची सिमी भी वहीं आते हैं। तभी लता बोलती है, लेकिन बेटा ये सब अचानक से थोड़ी हो सकता है, कोई तो होगा ही ये सब करने वाला। माँ अब क्या फायदा ये सोचकर, अब तो हम बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे कैसे, मेरे अभी बहुत जान पहचान वाले हैं, मैं अभी बात करता हूँ, कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा ही। सबसे बात कर चुका हूँ मैं, सबने मेरा नाम सुनकर ही फोन रख दिया है। अब भैया क्या होगा, अगर ये घर भी चला गया तो हम कहाँ जाएंगे? अभी तो बस खेल शुरू हुआ है, अंजाम के लिए रुको, तब पता चलेगा सबको। बेटा हमें ना घर में पूजा करवानी चाहिए, जरूर कुछ तो दोष चल रहा होगा तभी ये सब हो रहा है, क्या पता पूजा करवाने से सब ठीक हो जाए। इतना बोलकर लता प्राची के साथ पूजा की तैयारी में लग जाती है और लता तैयारी ही कर रही होती है कि प्राची सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और आनंद सीढ़ियों से उतरते हुए गिर जाता है और विनोद जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है और आनंद की पट्टी करवाता है। सबको परेशान देखकर प्राची कहती है, चलो एक फेरा और पूरा हो गया, पति के माँ बाप को अपने माँ बाप मानना, हो गया माँ बाप को आराम। माँ आप सही बोल रही थी, घर में पक्का कोई दोष है, या तो हमारी भाभी में ही कोई दोष है, जब से वो आई है तब से कुछ न कुछ हो ही रहा है। ये क्या बोल रही है तू, तेरी भाभी हमारे साथ हर परेशानी में खड़ी है और तू उसे ही गलत बोल रही है, चुप हो जा। हाँ बहू तो बिना कुछ शिकायत करे हमारी मुसीबतों में सहारा बन रही है। अगर आप लोगों को यही लगता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है तो ठीक है मैं चली जाती हूँ यहाँ से। ये तुम कैसी बात कर रही हो, हमने तुम्हें कभी कुछ बोला है नहीं ना? बहू तू खुद को दोषी मत मान, ये सब किस्मत का खेल है और तू सिमी की बातों को दिल से मत लगा। प्राची अपने कमरे में चली जाती है और रोज कुछ ना कुछ करके अपनी शादी के फेरों को उल्टा कर रही थी।
शादी के सारे वचनों को उल्टा कर रही थी। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहता है। प्राची घर में सभी लोगों को हद से ज्यादा तकलीफ दे चुकी थी। कुछ दिनों बाद वो सोचती है, बाकी सब लोगों से तो वचन पूरे हो गए, अब बस मेरी प्यारी सासू माँ की बारी है। अब जल्दी उनको भी बाकी सबके पास पहुँचा दूंगी, तब जाकर मुझे शांति मिलेगी। प्राची खुद से बात कर ही रही होती है कि लता उसकी सारी बातें सुन लेती है और सारी बातें सुनने के बाद प्राची के पास जाकर बोलती है, बहू हमने तुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया, लेकिन तूने हमारे साथ विश्वासघात किया। क्यों? आप लोगों की वजह से ही आज मेरी ऐसी हालत है। आप लोग तो अमीर है ना, आपको क्या पता कि हम पर क्या गुजरती है। ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? ऐसा भी क्या हो गया? हमने तो कुछ भी नहीं किया, तू किस गुनाह की हम लोगों को सजा दे रही है? अभी तो सजा मिली ही कहाँ है। आप लोग भी वैसे ही दिन देखोगे जैसे मैंने देखे थे, तब पता चलेगा आपको भी। बहू तू क्या भूल गई? तू हमारे घर पर विनोद से सात फेरे लेने के बाद आई थी, फिर तू क्यों उन फेरों को उल्टा कर रही है? आपके घर एक समीरा नाम की लड़की काम करती थी, जो आप लोगों की बहुत इज्जत करती थी, और उसे आप लोगों की जरूरत पड़ी तो आप लोगों ने उसे मुसीबत में छोड़ दिया। तुम कैसे समीरा को जानती हो? तुम समीरा की कौन लगती हो? मैं समीरा की बहन हूँ। जब समीरा का एक्सीडेंट हुआ तो आप लोगों ने क्या किया? उसका इलाज करवाने की बजाय उसे मरने के लिए छोड़ दिया, उसे हॉस्पिटल तक नहीं लेके गए। आज आप लोगों की वजह से मेरी बहन हमेशा के लिए मुझसे दूर जा चुकी है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। आपको अब भी शर्म नहीं आई? सारी सच्चाई बाहर आने के बाद भी आप झूठ बोल रही हैं। तुम्हारी बहन को बचाने के लिए हम ही डॉक्टर को बुलाने गए थे। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें डॉक्टर का नंबर दे देती हूँ, पता कर लेना। हमने पुलिस की भी जांच करवाने के लिए कहा था। हमारे लिए समीरा बस एक काम वाली नहीं थी, बल्कि हमारे घर की सदस्य थी। अगर ऐसा ही था तो जब मेरे पिताजी यहाँ आए तो समीरा अकेले क्यों पड़ी थी? क्यों उसके साथ कोई नहीं था? कोई इसलिए नहीं था क्योंकि जब हमने पुलिस को कॉल किया था तो पुलिस ने यही बोला कि ये कोई प्लानिंग भी हो सकती है, इसलिए जब तक पुलिस ना आए तब तक उसके पास कोई ना जाए, बस डॉक्टर को जाने की परमिशन थी। और जब तक डॉक्टर्स आते उससे पहले ही समीरा कहीं गायब हो गई थी। हमने बहुत पता लगाया लेकिन कहीं नहीं मिली थी। ये आप क्या बोल रही है? मतलब कि अब तक मैं जो सोच रही थी वो गलत था? मैं पूरा सच जाने बिना ही आप लोगों को तकलीफ पहुंचा रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। बहू हम तो तुझे अपनी बेटी मानते थे और समीरा को भी घर का सदस्य मानते थे। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ है, मुझे बस यही लगा कि आप लोगों की इतनी सेवा करने का उसे ये फल मिला और उसी का मैं बदला लेना चाहती थी। आप चाहे तो मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुमने जो भी किया अनजाने में किया, लेकिन बात ये है जो भी हुआ वो ठीक कैसे होगा? तूने जो बदले की आग में अपने सीधे फेरे को उल्टे किए हैं वो सब ठीक तो करना ही होगा। माँ जी अगर गलती मैंने की है तो सुधार भी मैं ही करूँगी, आप चिंता मत करिए, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। प्राची को अपनी गलती का एहसास होता है और वो घर के सभी सदस्यों से माफ़ी मांगती है। कुछ लोग उसे माफ़ कर देते हैं और कुछ थोड़ा समय लगाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सभी मान जाते हैं और प्राची विनोद के बिजनेस में हाथ बटाने लगती है और थोड़े टाइम बाद सब ठीक हो जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। ज्योति का समर की नई नवेली दुल्हन बनकर उसके साथ घर के दरवाजे पर खड़ी थी, तभी उसकी सास निवेदिता आरती की थाली लेकर आती है और दोनों की आरती उतारने लगती है, जिसके बाद दोनों के माथे पर तिलक लगाती है और फर्श पर चावलों से भरा हुआ कलश रख देती है। तभी ज्योतिका अपने लेफ्ट पैर से उस कलश को गिराने ही वाली होती है, तभी निवेदिता उसको टोकते हुए बोलती है, हे प्रभु अभी तो अनर्थ कर देती तू, तेरे माँ बाप ने तुझे सिखाया नहीं क्या कि ससुराल में आते टाइम कैसे कलश गिराते हैं पैरों से? पता है तुझे जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी किसी को मौका नहीं दिया था मैंने बोलने का, और आजकल की बहुओं को देखो इनका तो कुछ पता ही नहीं कि क्या करती हैं ये। सॉरी माँ जी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। चल कोई नहीं, लेकिन मुझे दोबारा मौका मत दियो सुनाने का। ज्योति का सीधे पैर से कलश को गिरा देती है और उसका ससुराल में स्वागत किया जाता है।
ससुराल में आने के बाद ज्योति का घर का सारा काम किया करती, इसी के साथ और बाकी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से संभालती। मगर तब भी उसकी सास उसके किए हुए कामों में कोई ना कोई गलती निकालती और उसको खरी खोटी सुनाती। ऐसे ही एक दिन ज्योतिका अपनी सास से बोलती है, माँ जी क्या मैं आज अपनी सहेली से मिलने जा सकती हूँ? वो क्या है ना, शादी के बाद हम दोबारा मिले नहीं है, तो आज उसका फोन आया है, मैं जाऊँ? हाँ हाँ, महारानी को तो ससुराल काटने को दौड़ रहा है। माँ जी वो बात नहीं है, वो क्या है ना, वो मेरी बचपन की दोस्त है, आज बड़े दिनों बाद उससे मिलने बुलाया है, तो बस इसीलिए जाना चाहती थी। कहीं नहीं जाना तुझे, जब मैं अपने ससुराल में थी सबसे ऊपर अपने सास ससुर को रखती थी, और आजकल की बहुओं को देखो, इनके तो पर निकल आए हैं, जरा सा दिन हुआ नहीं कि इन्हें बाहर जाना है। ठीक है माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ज्योति का मन मार कर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन निवेदिता से मिलने उसकी एक पड़ोसन घर आती है। निवेदिता अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहती है, बहू, अरे ओ ज्योति का बहू, अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? कब से मैं बुला रही हूँ लेकिन महारानी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। अरे आजकल की बहुएं बिना एक काम ठीक से नहीं करती। अरे जब हम अपने ससुराल में थे ना, तब हमारी सास हमें एक आवाज क्या दे दे, अरे हम तो दौड़े चले आते थे अपनी सास के पास, और आजकल की बहुओं को देखो कुछ असर ही नहीं होता। तभी वहाँ ज्योति का चाय नाश्ता लेकर आती है और उसको देखकर पड़ोसन बोलती है, देख निवेदिता, बहू अंदर कुछ काम कर रही होगी, अब थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। अरे क्या हुआ नास पीटी, करम जली कहीं की? तुझे बोला नहीं जा रहा था क्या, तेरे मुंह में दही जमी थी? सॉरी माँ जी, मैंने सुना नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं नीचे आने लगी मैंने देखा कि आंटी जी आई हुई हैं, तो मैंने सोचा चाय भी बनाती लूँ। देखा क्या संस्कार है इसके, बहू तू जा अब। सच में निवेदिता, तेरी बहू का तो जवाब नहीं। हाँ हाँ, बहू तो तेरी भी अच्छी है, घर का सारा काम करती है। अरे क्या खाक अच्छी है, काम से ज्यादा तो महारानी की जुबान चलती है, तेरी बहू तो तेरी बेटी जैसी है। अरे जरा भी नहीं, वो तो तू आई है इसीलिए थोड़ा काम काज करके तुझे दिखा रही है, आखिर आस पड़ोस वालों को भी तो लगना चाहिए ना कि मेरी बहू कैसी है। अरे हम तो अपने ससुराल में अपनी सास के आगे पीछे फिरकी की तरह घूमते रहते थे। अरे तुझे पता है मैं आज भी अपने ससुराल में जाती हूँ ना, तो रज रज के अपनी सास की सेवा करती हूँ, और आजकल की बहुएं क्या ही बात करें इनके बारे में। ऐसे ही निवेदिता और पड़ोसन को बात करते करते शाम हो जाती है और ज्योतिका रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगती है, जिसके बाद वो सभी घर वालों को खाना खिलाती है और अपना सारा काम खत्म करती है, जिसके बाद वो थक कर आराम करने अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ उसकी सास आती है और उसे बोलती है, बहू अरे नींद आ गई क्या तुझे? जी माँ जी कहिए, कुछ चाहिए आपको? तुझे पता है जब मैं अपने ससुराल में थी अपनी सास के पैर दबाए बिना सोती नहीं थी, और आजकल की बहुएं क्या ही बात करें इनके बारे में। अरे माँ जी गुस्सा की होती है, चलिए मैं आपके पैर दबा देती हूँ। वहीं कमरे में लेटा हुआ समर अपनी माँ की हरकतों को देख रहा था। ऐसे ही अगले दिन समर अपनी माँ को बोलता है, माँ आज शाम को दादी के यहाँ जाना पड़ेगा, उनकी तबीयत बहुत खराब है। क्या? हाँ माँ। अरे तुम दोनों चले जाओ ना, देख आओ अपनी दादी को। नहीं माँ, दादी की जिद है कि आप भी आओ। जिसके बाद वो सभी लोग अपना अपना सामान पैक करते हैं और घर से निकल जाते हैं। अगली सुबह वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। ज्योति का सबसे पहले अपनी दादी सास रिपना के पैर छूती है, तभी वो उसको आशीर्वाद देते हुए बोलती है, वाह क्या संस्कार है मेरी पोता बहू के, तो अपनी सास से पहले भी मेरे पैर छुए हैं, और इसको तो ख्याल ही नहीं है, करम जली पहले भी नालायक थी अब भी नालायक है। तभी निवेदिता भी वहाँ आ जाती है और अपनी सास के पैर छूती है, जिस पर रिपना उसे बोलती है, याद आ गया महारानी को कि सास के पैर छूने होते हैं। माँ जी अभी तो मैं घर में आई भी नहीं ठीक से, और आपका सुनाना तो शुरू हो गया। ज्यादा जुबान मत चला, मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है। ऐसे ही रात हो जाती है
जिसके बाद निवेदिता अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहती है, बहू, अरे ओ बहू। हाँ जी माँ जी। महारानी, यहाँ पे आई है इसका मतलब ये नहीं कि तू आराम करेगी, जाके खाना बना ले। माँ जी, वो क्या है ना कि दादी जी ने मुझे कहा है कि आज खाना मेरी सास बनाएगी, यानी कि आप, क्योंकि ये आपका ससुराल है। मेरे सामने ना ज्यादा चपड़ चपड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ रिपना आ जाती है और बोलती है, क्यों रे करम जली, मेरी पोता बहू को आंखें दिखाती है? अरे भूल गई कि ये तेरा ससुराल है, यहाँ तू काम करेगी, मेरी बेचारी प्यारी बहू क्यों करे। निवेदिता पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही रिपना उससे घर का सारा काम करवाती है। सारे काम से थक हार कर रात के समय निवेदिता अपने कमरे में सोने जाती है, जिस पर रिपना वहाँ भी आ जाती है और उसे बोलती है, अरे ओ काम चोर निवेदिता, अरे कहाँ मर गई, जल्दी आ। हाँ माँ जी, बोलिए। अरे तेरे माँ बाप ने यही सिखाया था क्या, ससुराल में जाइयो और पसर जाइयो, अपनी सास के पैर दबाना नहीं सिखाया? हाँ माँ जी, अभी दबा देती हूँ आपके पैर। निवेदिता अपनी सास के पैर दबाने लगती है, तभी उसकी सास उसको झकझोरते हुए बोलती है, अरे मेरे पैर तोड़ेगी क्या, अरे नहीं दबाने तो मत दबा। माँ जी, बहुत हो चुका है आपका, अरे मैं जितना करती हूँ उतना ज्यादा आप मुझे सुनाने लगते हो। क्यों, बुरा लग रहा है क्या तुझे? अरे बुरा तो लगेगा ही ना, अरे जितना काम करो उतना ज्यादा सुनाती रहती हो। हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे ज्योति का बेटी को भी तो ऐसे ही बुरा लगता होगा, वो भी तेरी बहू है, उसे बेटी समान प्यार कर, वो भोली भाली है, तुझे कुछ कहती नहीं है और तू निर्दयी कर्मजली उस पर अत्याचार करती रहती है, पर फिर भी वो तेरी कोई शिकायत नहीं करती। हाँ हाँ, शिकायत नहीं करती, तभी तो आपको ये सारी चीजें पता चल रही है ना। अरे ये तेरी बहू ने नहीं बल्कि तेरे बेटे ने बताया है, अब तू खुद ही सोच ले कि तू कितना गलत करती है उसके साथ। जिसके बाद निवेदिता ज्योतिका के साथ किए हुए बर्ताव को याद करती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अगले दिन वो सभी घर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद निवेदिता ज्योतिका को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।